राजस्थान से इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकलकर सामने आ रही है कि क्या भरी सभा में कांग्रेस के लिए वोट मांगने लगे पीएम मोदी। वीडियो हो गया वायरल, राजनीति में मचा हड़कंप। पूरी खबर जानने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। ये चुनाव इस साल के आखिरी चुनाव है। साल 2024 में होने जा रहे लोकसभा चुनाव से पहले ये चुनाव काफी अहम माने जा रहे हैं। इन 5 राज्यों के नतीजे प्रमुख राष्ट्रीय पार्टियों कांग्रेस और बीजेपी के लिए साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की दिशा तय करेंगे। मिजोरम में मतदान हो चुका है और छत्तीसगढ़ में पहले चरण का मतदान 7 नवंबर को पूरा हो गया है। चुनावी गेमा गेमी के बीच प्रधानमंत्री मोदी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें मोदी कथित तौर पर ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को वोट दो। तो आपने वीडियो में देखा कि किस तरह पीएम मोदी वीडियो में ये कहते नजर आ रहे हैं कि अगर आपको अपने परिवार के बच्चों का भला करना है तो फिर कांग्रेस को वोट दीजिए। वायरल हो रहा है ये वीडियो, राजस्थान यूथ कांग्रेस की ओर से ट्वीट किया गया है, लेकिन हमारा चैनल इसकी पुष्टि नहीं करता है। आपको बताते चले कि चुनावी माहौल के चलते सियासी गलियारों का बाजार गर्म हो गया है। राजनीति में बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। भाजपा और कांग्रेस दोनों के बीच कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। एक तरफ जहां कांग्रेस बीजेपी को चुनौती देने के लिए पूरी तरह से तैयार दिखाई दे रही है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी लगातार बैकफुट पर जाती दिखाई दे रही है। चुनावी राज्यों में कांग्रेस को जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है और अगर भाजपा की बात की जाए तो भाजपा की रैलियों में खाली कुर्सियां पड़ी दिखाई दे रही है। कई चुनावी सर्वे भी कांग्रेस को बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। बता दे 5 राज्यों में होने वाले चुनाव के नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे। वायरल हो रहे इस वीडियो को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।